ओम शांति। आज की तारीख है 14/2/21 और आज क्या है, रविवार है। तो हम प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त धारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनेंगे और इसके साथ साथ आज है आई लव यू कहने का दिन। कौन सा दिन होगा वो? वैलेंटाइन डे। तो सबसे ज़्यादा बहुत 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 मैं बाबा आपसे प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, क्योंकि वही हमारे माता पिता हैं, वही हमारे सखा बंधु हैं, वही हमारे शिक्षक गुरु हैं और वही हमारे सब कुछ हैं। इसलिए आज जो भी आपके अति प्रिय हो, प्रिय हो और जो प्रिय न भी हो, सभी को आप दिल से कहेंगे आई लव यू। आप कहेंगे जो प्रिय नहीं उसको आई लव यू कैसे कहें, लेकिन उनको अंदर में ये प्रतिज्ञा करते हुए आई लव यू कहना कि आज से मैं तुम्हारे प्रति जो भी नेगेटिव भावना रखती हूँ या रखता हूँ वह मिटाकर और ये भावना रखूँगी कि आई लव यू, यानी मैं तुमको प्रेम करूँगी या प्रेम करूँगा। इसको कहते हैं वैलेंटाइन डे मनाना। बाकी जो प्रिय हैं उनको प्रिय कहना, उनको आई लव यू कहना, ये तो सहज बात है। मनुष्य जीवन के अंदर कुछ विशेष करना चाहिए और वो विशेष क्या करेंगे कि आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में लाएंगे। तो वैलेंटाइन डे से क्यों ना उसकी शुरुआत करें। तो आइए हम पहले बाबा को कहेंगे आई लव यू। तो बाबा भी कहते हैं कि स्वपरिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। लव जो होता है ना, वो दिल से अंदर से महसूस किया जाता है। तो आज सभी महसूस करें और कराएं। तो स्वपरिवर्तन होता है, तो स्वपरिवर्तन का आधार क्या हुआ? दिल की प्रेम की महसूसता। अच्छा, आज मीठे मीठे बाप दादा ने क्या कहा है? तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग और उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है। क्या निश्चय है? कि परिवर्तन होना ही है, अथवा ये कहें कि परिवर्तन तो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। हैं सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है, लेकिन
स्वपरिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नंबर वार क्यों? कोई बच्चे स्वपरिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमजोर है। जहाँ हिम्मत नहीं वहाँ उमंग और उत्साह भी नहीं। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो आज से हिम्मतवान बनकर बाप की मदद को महसूस करें। अच्छा, अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा के याद प्यार। तो बाप दादा याद प्यार देते हुए बोले, सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति को समय पर कार्य में लाने वाले सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्वपरिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश बच्चों को सदा दिलाराम बाप के आगे सच्चे दिल से स्पष्ट रहने वाले सफलता स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को दिलाराम बाप दादा का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान दिलबर बाप दादा का सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव बाबा सागर है तो वरदान भी दे रहे हैं मास्टर सागर भव। जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं, उन बातों को स्वयं में समा लो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप भी समाया हुआ न हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। अवगुण को गुण में निंदा को स्तुति में बदल दो तब कहेंगे मास्टर सागर। तो आज सभी प्रतिज्ञा लें वैलेंटाइन डे पर कि हम अवगुण को गुण में निंदा को स्तुति में बदल देंगे। स्लोगन है, विस्तार को न देख सार को देखने व स्वयं में समाने वाले तीव्र पुरुषार्थी हैं। अच्छा, ओम शांति।